ज़ेब्रा वगैरह तो दिख गए यहाँ पे थोड़े से, ठीक है, इधर उधर घूम रहे हैं और उधर भी कुछ घूम रहे हैं, इधर भी एक ज़ेब्रास का ग्रुप है और उधर एक और एनिमल है भाई, बट वो मुझे ये नहीं पता कि कौन सा एनिमल है। कुछ ज़ेब्रा यहाँ पे भी हैं। द एनिमल्स आर रनिंग दैट वे मैरी। हाँ, मैरी बोल रही है कि लेक के पास ज़्यादा एनिमल्स इसलिए नहीं है क्योंकि आज फॉरेनर्स के कुछ बड़े ग्रुप आए हुए हैं यहाँ पे, वो सामने पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, तो उस वजह से फिर थोड़ा सा मतलब जानवर डर के भाग जाते हैं। तो ज़ेब्रास तो काफ़ी हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज़ दैट एनिमल मैरी, दैट वन? दैट इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट इज़ कॉल्ड द वाटर बग। वाटर बग? या। ओके, तो भाई वो वाटर बग है वो जो उधर है, और इधर हिरन वगैरह काफ़ी घूम रहे हैं। कुछ इम्पालाज हैं यार हमारे सामने, बट आई थिंक जितना मैं नज़दीक आऊँगा ये और कॉशियस हो जाएंगे और भाग जाएंगे यहाँ से। तो एनीवे देखते हैं क्या सीन है, कितना नज़दीक आने देते हैं इम्फालास। पहले ही भाग जाते हैं भाई, वो देखो पास में आने से पहले ही भाग जाते हैं। जिराफ वगैरह सोच रहा था यार, जिराफ दिख जाए, हिप्पो वगैरह दिख जाए। एक्चुअली यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन इतनी हो गई है ना कि उन्होंने इतने मतलब प्रॉपर जोन्स बना दिए हैं कि एनिमल उससे बाहर आ ही नहीं सकता भाई। तो अगर तो आप दोगे पैसे प्रॉपर तो मिल जाएगा आपका एनिमल, अदरवाइज़ भूल जाओ। जब मैं मसाई कर रहा था तो उसमें कह रहे थे कुछ लोगों ने पेट राइनो पाल रखे हैं, तो पेट राइनो को देखना तो $40 दो भाई। सामने एक विल्ड बीस्ट दिख रहा है, वो देखते हैं नज़दीक आने देता है कि नहीं। वैसे ग्रुप्स में होते हैं, ये अकेला क्यों घूम रहा है मुझे नहीं पता। भाग गया, कहता हिरन भाग रहे हैं तो अपन भी भागते हैं। ये इम्पाला वगैरह तो आपको नज़दीक ही नहीं आने देते। विल्ड बीस भी भाग रहा है यार, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ओके भाई, मैरी को जिराफ दिख गए हैं और वो मुझे लेके जा रही है, मुझे अपनी दूर से। अच्छा देख गए मुझे भी दिख गया भाई, नज़दीक ले जाके दिखाता हूँ आप लोगों को, मैं जितना नज़दीक हो पाएगा जाके दिखाता हूँ आप लोगों को। वैसे मैं बहुत फालतू पंगे ले रहा हूँ, इनमें से अगर एक भी गुस्से में आ गया ना तो लग जाएगी। भाई और भी जिराफ की फैमिली उधर है, ये सारी फैमिली इधर है इसकी, ये यहाँ पे चल मार रहा है। यार अभी वापस घर जा रहे हैं, ये यहाँ के मार्केट, ऐसी दुकानें हैं यहाँ पे। एक साइड हमने लेक की देख ली है और दूसरी साइड कुछ ही घंटों में इवनिंग में देखेंगे फ्रेंड्स के साथ। Later that same evening. Okay, भाई अभी मैं वापस आ गया था क्योंकि गर्मी बहुत हो गई थी, अभी हम लेक की दूसरी साइड पे जा रहे हैं फ्रेंसिस के साथ। फ्रेंसिस से हेलो। हेलो। यस। हाय। तो अभी ट्रिपलिंग करते हुए जा रहे हैं बाइक पे, हेलमेट वगैरह की यहाँ पे कोई चिंता नहीं है, ठीक है। और अभी शाम का टाइम हो गया है और तो मैरी घर पे रहेगी, मैं और फ्रेंसिस से सर जा रहे हैं तो चेकआउट करते हैं, देखते हैं कौन से एनिमल्स आर रेडी फॉर द लेक। फ्रेंसिस आई एम वेरी मच रेडी। ऑसम, लेट्स गो एंड सी व्हाट वी फाइंड। ऑलराइट, नाइस नाइस, ऑसम, वेरी ग्रेट वे। या ओके भाई, ये नवाशा लेक है हमारे सामने, बट उसको बाद में देखेंगे, पहले हमें फ्रेंसिस लेके आया है ये बर्ड्स दिखाने के लिए। सो टेल मी फ्रेंसिस अबाउट दिस बर्ड, व्हाट वर यू जस्ट टेलिंग मी? दे आर कॉल्ड माराबूस्टॉक। माराबूस्टॉक? माराबूस्टॉक। माराबूस्टॉक? यस। ओके, दे आर द मोस्ट हाई फ्लाइंग बर्ड्स। भाई ये बोल रहे हैं कि ये जो बर्ड्स हैं सबसे ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं, ये जो सामने जा रहे हैं ना, कमाल की बात है भाई, इतना बड़ा बर्ड। Yeah. Yeah, I think it's first picture.
मेन सीन। कुछ इधर भी हैं भाई, आपको दिखाता हूँ, देखता हूँ कितना नज़दीक जाने देते हैं ये वाले। Yes. How is it? They're pretty smart as well. Now we are going for you to see the lake now, the other side. Okay. The best now picture, you can take it from that tree. Awesome. And then now you go to see now the territory of the hippos. Yeah. Okay. Yes, let's go. How is it? Okay, भाई अभी देखने जा रहे हैं और लेक की तरफ जा रहे हैं और फ्रांसिस बता रहा है कि अभी हम जाएंगे वहाँ पे शायद कुछ उस डायरेक्शन में कुछ हिपोज वगैरह मिल जाएं, तो लेट्स गो एंड सी। तो भाई फ्रांसिस हमें काफ़ी नज़दीक तो ले आया लेक के, बट यहाँ पे हिप्पो वगैरह इतने को खास दिख नहीं रहे हैं और कुछ दिख रहे हैं टूरिस्टिक एरिया में, क्योंकि वो उधर अगर आपको मेरी उंगली दिख रही है उधर है कुछ टूरिस्टिक एरिया और वहाँ पे एक दो हिप्पो हैं, मतलब मैं देख पा रहा हूँ, बट उनको प्रॉपरली देखने के लिए DSLR चाहिए होगा और या फिर परमिशन चाहिए होगी वहाँ जाने की, बट भाई मैं नहीं $30-35 खर्च रहा क्योंकि अपना मोटिव ही नहीं है, ठीक है, ये एनिमल्स नज़दीक से देखना। मैं तो कल्चर को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, लोकल्स के साथ रहना चाहता हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ। और जैसे हम पहले मॉर्निंग में गए थे, काफ़ी एनिमल्स हमको ऐसे दिख गए बिल्कुल पास में, लोग कितनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, तो बढ़िया भाई, ठीक है। और यस यस सो द लेक यस This is a very beautiful lake. Very big lake. Yes, and beautiful too. How far can you see? Can you see the end? Yes, I can, of course. Now that is the Crescent Island. Can you show me? Oh, that's the Crescent Island. Yes. Okay, Francis. Yes. What were you telling me about these goats? Telling. Have you seen those goats? Uh-huh. Have you seen them? These goats? Yes. Okay. Yeah, how many numbers can roughly there are? 50, right? Yeah, maybe 100. And the 100. Okay. Ah, the last food, okay. Last food of the day. All of them are filthy. We out. We out. Okay. They are trained. Uh-huh. Wow. They are trained the hard way. Wow. So there is no shepherd here. Wow. Sheep will come at the morning by 8-9. Right. They'll be here. Okay. Take their food in the day here. Uh-huh. We're fishing here. There's a water here. Uh-huh. And then we have to go back home. Go back home? Yes. Do you know how long is it? Kilometers? No. 5 kilometers. 5. भाई ये पता क्या बोल रहे हैं फ्रांसिस, कि ये जो भेड़ बकरी है ना यहाँ पे, इनका कोई गडरिया नहीं है, इनका कोई शेफर्ड नहीं है, इनको इतना दिमाग इनका ट्रेन हुआ है कि यहाँ पे आएंगी, घास वास खाएंगी और शाम को खुद ही चली जाती हैं वापस। और जहाँ से आई है ना भाई, 4-5 किलोमीटर दूर है वो जगह। मेरे लिए तो भाई नई इन्फॉर्मेशन है, मुझे नहीं पता था कि गोट्स व भेड़ बकरियाँ वगैरह भी अपने आप को ऐसे ट्रेन कर लेती हैं। ये जो सारी आपको दिख रही है ना सामने, ये सारी की सारी। ओके यार, अभी हम लेक के पास चाय पीने आए हैं, थोड़ी सी चाय पीते हैं और उसके बाद सनसेट होगा, उसको देखेंगे, थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ लेंगे, फिर वापस चलेंगे। अभी चलते हैं अपन। यस, ये रही भाई जगह सारी चाय वाली, अभी बैठ के चाय पीते हैं। ओके भाई, अपनी चाय आ गई है, ठीक है, चाय पीते हैं। यू आर द कुक? No, we pick a chai. You make the chai? Yes. Oh, nice. It's good. Yes. Wow, what's the name of this place? Ask him, what's the name of this place? What is the name of this place? This hotel. Huh? This hotel. But what's the name of the hotel? Name. Yes. Wasaraso Hotel. What Saraso? Wasaraso Hotel. Wasaraso Hotel. Yes. Ah. Okay. Right. What is here? Yeah. Oh, just you're not eating something with it? Like, I don't know, some beans or no, some lentil? No. You don't want that? It's good like this. Okay. Okay, bhai. Ye apna last shot Lake Naivasha ka. और इसके बाद अपन निकल रहे हैं अभी वापस, ठीक है। काफ़ी ब्यूटीफुल लेक है, जितना अपने देखना था देख लिया, एक्सप्लोर करना था कर लिया, और अभी इसके बाद निकलते हैं वापस। One hour later. तो भाई मेरे होस्ट तो चले गए हैं यार, कुछ गैस वैस भरवाने, पता नहीं क्या सीन चल रहा है, और मुझे यहाँ पे आलू काटने के लिए लगा गए हैं, और इनकी बेटी देख रही है कार्टून। हेलो, हाय हाय। तो
अभी भाई आलू का करता हूँ मैं काम, और उसके बाद शायद खाना वाना मिलेगा। पहली काउच सर्फिंग है अफ्रीका में, बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है भाई। जो लेक पे चाय वाली शॉप थी भाई, वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ। वहाँ पे मैं चाय वाय पी के निकल गया और बैग वहीं पे भूल गया। उसके बाद हम घूमे, वापस भी ऑलमोस्ट हाफ वे चले गए, और वहाँ पे जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा बैग कहाँ पे है। और उस बैग में भाई मेरी सारी वैल्यूएबल्स, मेरे पासपोर्ट से लेके मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन मेरी सारी करेंसी, सब कुछ उसी में था भाई। और मैं एकदम इतना पैनिक किया, भाग के वापस गया फ्रेंसिस के साथ। और मुझे ये था कि भाई अफ्रीका है ये, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि मेरी बिलोंगिंग्स ऐसी मिल जाएंगी, मतलब बैग ही गायब होगा। बट टू माई सरप्राइज़ भाई, मैं वहाँ पे गया और मेरा बैग बिल्कुल सही पड़ा था, और उसको किसी ने टच भी नहीं किया था। तो भाई मेरे मन में इस इंसिडेंट से काफ़ी रिस्पेक्ट आई लोकल लोगों को लेके। तो अफ्रीका को जैसे कि बैड लाइट में पोर्ट्रे किया जाता है, तो आई डोंट नो यार, कोई अच्छे बुरे बंदे हर जगह पे हैं दुनिया में, और मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। The next morning. गुड मॉर्निंग भाई, आशा करता हूँ आप सब सही हो गए, सब बढ़िया होगा। आज हमारा आखिरी दिन है मैरी और फ्रांसिस के साथ, और ये जगह मैं सारी छोड़ने वाला हूँ, और नाबाशा अपना डन है। मैंने एक्चुअली थोड़ा सा फर्जर जाना था नॉर्थ कीनिया की तरफ, बट मुझे मेरे होस्ट ने बताया कि भाई वहाँ पे भी थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, कुछ बैंडिट्स वगैरह कुछ ऐसा, और वहाँ जाने के दो ही हैं, या तो आप प्राइवेट टैक्सी में जाओ, उसमें भी थोड़ा सा खतरा है, या माटूटू वगैरह में। तो वो कह रहा है कि फॉरेनर्स के लिए इतना इस टाइम रिकमेंडेड नहीं है कि आप वहाँ पे जाओ। तो भाई मैं उसको स्किप कर रहा हूँ अभी। तो अभी मैं नैरोबी जाऊँगा एक दिन के लिए, और वहाँ से फिर निकलूँगा कोस्ट की तरफ। वहाँ पे बहुत जगहें हैं देखने वाली, वो सब देखेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। अभी मैं जा रहा हूँ बार्बर के पास, यहाँ से निकलने से पहले फटाफट थोड़ा सा हेयर कट वगैरह, बीड काफ़ी हैवी हो गई है ये करवा लें, और इसको करवाने के बाद हम करेंगे सी ऑफ हमारे होस्ट को, फ्रांसिस और मैरी को। फ्रांसिस वैसे काम पे गया हुआ है, होपफुली तब तक वापस आ जाएगा, और उसके बाद हम अपनी जर्नी दोबारा माटूटू से जाएंगे नैरोबी। भाई भाई पहुँच गए बाबर शॉप पे, देखते हैं क्या सीन है यहाँ पे। हेलो, हाउ आर यू ब्रदर? हर्ष, व्हाट्स योर नेम? नाइस टू मीट यू ब्रदर। सो आई वांट सम हेयर कट, लाइक वांट माय साइड्स डन एंड ऑन्स माय बीयर्ड, आई वांट सम काइंड ऑफ फेड, दैट्स गुड। हाउ मच फॉर दैट ब्रदर? 150. थैंक यू सो मच। ऑल राइट, लेट्स डू इट। ए फ्यू मिनट्स लेटर। ओके भाई, हेयर कट अपना हो गया, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं। इधर से भाई ने थोड़ा सा मेरा काम खराब कर दिया, पर चलो कोई बात नहीं, ओवरऑल सही है बीड वगैरह। अभी अपन हो गए हैं शार्प। ओके, थैंक यू, गुड बाय। अभी अपन हो गए हैं शार्प, थैंक यू ब्रदर। तो इनको काम वाम आता नहीं है, ना तो इनको कैंची से काम करना आता है, ठीक है, और ना ही इनको भाई क्या कहते हैं उस तरह होता ना अपने, वो भी नहीं इनको यूज़ करना आता। तो चलो, बाल बाल बचे, इससे भी ज़्यादा काम खराब हो सकता था। यहाँ से इन्होंने लाइन पूरी ख़राब कर दी, बट कैमरे में नहीं आ रही होगी। चलो एनीवे, जो भी है, अभी मैं पैक वगैरह करता हूँ अपना वापस, और निकलता हूँ भाई। कहते हैं जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। मैरी इज़ डूइंग द, इज़ ओके, नो प्रॉब्लम? या मैरी इज़ डूइंग द ब्रेड्स फॉर हर। ओके, नाइस 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 नाइस। तो ठीक है भाई, अभी थोड़ी सी पैकिंग करते हैं फिर निकलते हैं। ओके भाई, अपन हो गए हैं तैयार, अब टाइम है अलविदा कहने का और निकलने का अपनी नैरोबी की जर्नी के लिए, ठीक है। ओके मैरी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, आई कैन नेवर फॉरगेट यू गाइस, यू बीन सो काइंड। दिस इज़ द गेस्चर इन माय कल्चर व्हिच यू कैन डू, लाइक थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। एंड आई विश आई कुड स्पीक टू फ्रांसिस, इज इट पॉसिबल टू स्पीक टू हिम फॉर अ मिनट, और इज इट टू बिजी? या कैन आई स्पीक टू हिम बिफोर आई लीव? थैंक यू सो मच। चलो भाई, अभी फ्रांसिस से फ़ोन पे ही बात करेंगे, क्योंकि वो काम पे गया हुआ है, और उसके बाद निकलते हैं फिर स्टेशन की तरफ। ओके, अभी चल रहे हैं भाई मारुति स्टेशन की तरफ। मारुति स्टेशन इस घर से ज़्यादा दूर नहीं है, वो रहा सामने, उधर है मारुति स्टेशन, वहाँ पे चलते हैं, तो मारुति भरेगी, और उसके बाद हम मेन स्टेशन पे जाएंगे, और मेन स्टेशन से हमको मिलेगी माटूटू, जो कि यहाँ की वैन को कहा जाता है नैरोबी के लिए। भाई ये है यहाँ की मारुतीस, ठीक है, देखो मारुति लिखा हुआ है, इसको मारुति कहते हैं, बट ये वैसी जैसे हमारे पहले ओमनी वैन्स नहीं होती थी, उस तरह की गाड़ी है,
उससे भी मुझे थोड़ा सा पुराना मॉडल टाइप ही लग रहा है, क्योंकि हमारे तो वहाँ मैन्युफैक्चर अभी इंडिया में होती नहीं है। तो ये देखो वैसे सुजुकी और मारुति की कोलैबोरेशन से बनी हुई है, ठीक है भाई। इसमें वैसे तो बंदे बैठते होंगे मेरे ख्याल 3, 6, 7 बंदों की वैसे कैपेसिटी है, बट ये 8, 9 कुछ भी जितना चलता चलवा लेते हैं। तो अभी मेरे वाली ये मारुति वैन भरने वाली है, जब ये भरेगी, ये देखो अभी कुछ सीट्स पड़ी हैं, जब ये भरेगी फिर अपन निकलेंगे और उसके बाद मैंने फिर मटाटू लेना, ठीक है। तो अभी देखते हैं कितनी देर में भरती है भाई, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही जाऊँगा तो काफ़ी पैसे देने पड़ेंगे, तो सस्ते में ही जाएंगे। थोड़ी सी वेट करते हैं, इतनी कोई जल्दी नहीं है, अभी 12:30 ही हुए हैं और पहुँच जाएंगे नारुबी शाम तक भाई। ओके यार, अभी ये अपना नैरोबी वाली वैन है ये, ठीक है, इसमें भी बैठने वाले हैं, 5-7 मिनट में चलेगी, मैं लगेज वगैरह रख दूँ, ये डायरेक्टा तो ये कहीं पे रुकेगी नहीं। ओके भाई, ये रहा अपना मटाटू, अपन बैठ गए हैं, अभी नैरोबी की तरफ चल रहे हैं और वो पूरे 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, ठीक है। और फिर और तो आप लोगों को क्या ही दिखाएं, वहाँ पहुँच के बताते हैं। अभी मैंने प्लेस वगैरह भी बुक करनी है कि वहाँ पे कहाँ पे रहना है, ठीक है। तो अभी टाइम है नवाशा को बाय कहने का और नैरोबी जाके मिलते हैं। Many hours later. वापस आ गए हम नैरोबी में, अभी मैं कैब में हूँ और मैं अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहा हूँ। तो अपार्टमेंट में पहुँचते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं और उसके बाद चिल करेंगे। यार आज मैंने काम बहुत करना है, एडिटिंग वगैरह बहुत कुछ पड़ा भाई, और उसके बाद कल हम निकल रहे हैं भाई कोस्ट की तरफ, मुंबासा की तरफ। और मुंबासा में बहुत सी जगह हैं जो देखने वाली हैं ज़बरदस्त, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए भी। तो वो भी आपको सारी जर्नी दिखाएंगे, कीनिया की ट्रेन की जर्नी कैसे होती है वो सारी दिखाएंगे। और यस, तो अभी पहुंचते हैं, यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है नैरोबी में, आपको दिखाता हूँ। तो बारिश काफ़ी हो रही है यार। एनीवे अपार्टमेंट पहुंचते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं।